Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services examinations which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. My name is Dr. H.S. Sidhu, I Indian Economy and International Relations I have been mentoring the Civil Services aspirants for more than फिफ्टीन ईयरस एंड आई है यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सो बिफोर मूविंग हेड लेट मी शेयर एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू अभिमन्यू आई एस में हमारे यहाँ यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामीशन के लिए प्रिलिम्स एंड मेन्स के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर को टारगेट करते हुए जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल क्लासेस के बैच हैं जो वो चल रहे हैं कमेंट्स नए बैचेस भी कमेंट्स हो रहे हैं अगर किसी ने इन बैचेस को ज्वाइन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो ये दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड के थ्रू अवेलेबल हैं एंड मोर ओवर अगर किसी ने जनरल स्टडीज़ के अंडर पर्टिकुलरली इंडियन इकानमी का मॉड्यूल ज्वाइन करना हो तो वो भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से अवेलेबल हैं उसके लिए भी हम डेमो uh, क्लासेस दे रहे हैं सो फॉर दैट आल्सो यू मे लिंक क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन सो अभी अभी मैं न्यू आई एस में हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हमारे फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यू या स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं तो आज मैंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कशन के लिए लिया है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द इंडियन इकानमी एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो अगर मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ या मैं या अगर हम इसका जो फिलोसफी को समझने की, की कोशिश करें तो ये है कि बिजनेस एंड सोसाइटी

यू कैन से बिजनेस का सोसाइटी के बिना मीनिंग नहीं है सोसाइटी प्रोवाइड्स द इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी रिसोर्स टू द बिजनेस वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज आल्सो नॉन ह्यूमन रिसोर्स आल्सो विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस सो दैट इज वाई इन अ वे यू कैन से society has to bear certain cost in terms of the environment in terms of the depletion of the resources and migration etc so i mean to say that society has to bear a cost for the uh, this uh, growth of the business or for the uh, you can say continuance of the business so so that is why the philosophy underlying this is that if the society has to bear a cost for the growth of the business

बिजनेस के ऊपर सेल्फ रेगुलेशन है गे? जो कि बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट को शो करता है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड थ्रू वेरियस एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल मेजर्स सो जो बिजनेस हैं जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं थ्रू द वेरियस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू द वेरियस सोशल मेजर्स देडरटेक एंड दस दे मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी इस तरीके से वो सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सो so, uh, so, अभी तक ये बात क्लियर है एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस सोसाइटी हैज टू बीर कॉस्ट दैट इज वाई दिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवॉर्ड द सोसाइटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस अदा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेरियस इन्वायरमेंटल एंड सोशल मेजर्स एंड दो मेजर्स क्रिएट द वैल्यू इन द सोसाइटी सो दिस इज द पॉइंट हेयर विच इज इम्पॉर्टेंट एंड वट आर द एफर्ट्स अंडर दी एस आर वन इज द एनवायरमेंटल एफर्ट्स ओके तो बहुत सारे इन्वायरमेंट को लेकर के या इन्वायरमेंट की साउंड हेल्थ को लेकर के कि यू कैन से दैट रिक्लेमेशन के लिए ओके एनवायरनमेंट की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ये जो कॉरपोरेट्स हैं वो काम करते हैं एंड फिलेन्थेरापी डोनेटिंग मनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू सोशल कॉजेज एंड नॉन प्रॉफिट्स दैन एथिकल लेबर प्रैक्टिस ट्रीटिंग एम्प्लाईज फेयरली एंड एथिकली बेटर remuneration to apply employees better facilities to employees or uh, better facilities education or the health facilities for the uh, children of their employees making the houses for their employees etc etc this is also one uh, form of the corporate social responsibility then volunteering participation in local causes or volunteering staffs time to community events okay so even kya karte have staff का टाइम निकाल करके अपने स्टाफ को जो बहुत सारे यू कैन से कम्युनिटी सर्विसेज में लगाते हैं सो दीज आर द सी एस आर एफर्ट्स आई कैन से। नाउ नीड फॉर द सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्या है फर्स्ट थिंग इज एस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट देर इज ए सीम्बॉइस बिटवीन ए बिजनेस एंड सोसाइटी सोसाइटी प्रोवाइड्स ए बिजनेस द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन सोसाइटी प्रोवाइड्स ए स्कोप फॉर द बिजनेस टू ग्रो सो एवरी बिजनेस हैज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी बिजनेस के लिए कॉस्ट कॉस्टबियर करती है दैट इज वाई हर बिजनेस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट इट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द सोसाइटी दिस इज द पॉइंट सो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स वन इज़ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मेक्स दॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबल टूअर्ड्स द सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनस शेयर्ड वैल्यूज एंड सस्टेनेबिलिटी ओके बिकॉज एक बिजनेस की जो सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन वो तभी होगी अगर हमारी जो सोसाइटी है वो सस्टेनेबल रहेगी मीन्स जो हमारे रिसोर्स हैं वो उनका सस्टेनेबल यूज़ होगा उनकी रिप्लेनिशमेंट होगी हम उनको हेल्दी बनाने के लिए वर्क करेंगे एंड मोर ओवर हम ह्यूमन एसेट्स क्रिएट करने के लिए हम वर्क करेंगे और अगर हम सोसाइटी की वेलबींग well के लिए वर्क करते हैं तो वो अल्टीमेटली ह्यूमन एसेट्स की क्वालिटी में ट्रांसलेट होता है तो दैट इज़ वाई आल्सो पॉइंट

Uh, prefer to invest in that type of the business and in and Joe, employees as create may they don't work for the money uh, only and uh, they even see the sustainability of a business concern also. So, ek business concern key sustainability to be society can acceptability hogi the public ke uski acceptability So, that is why yes, up is benefits business kobi milte ham brand image. अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉज टू द ये बिजनेस को बेनिफिट्स मिलते हैं और ये एक तरह के सोसाइटी को बेनिफिट्स मिलते हैं तो सी एस आर बिकम एगल मैंडेट नाव एडेज इन मैनी कंट्रीज इन इंडिया कंट्रीज दोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल लीगल ड्यूटी मैनर इन कंट्रीज सच इज इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका दूके दूके एंड इंडोनेशिया देश सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्पिका में लीगल मैंडेट इंडिया में जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्या है सीन तो इन इंडिया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए लीगल मैंडेट अंडर सेक्शन वन थर्टी फाइव ऑफ द इंडियन कॉम्पनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन जो हमारा इंडियन कॉम्पनीज एक्ट है टू थाउजेंड थर्टीन का तो so उस एक्ट के अंडर सेक्शन वन हंड्रेड थर्टी फाइव में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है लीगली uh, कंपल्सरी uh, कर दिया गया है दिस हैज़ मेड इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक इट मैंडेटरी फॉर सर्टन कंपनीज। सो भारत दुनिया का पहला कंट्री है जिसने सर्टन कंपनीज के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेटरी बनाया है कंपनीज ऑफ ए सर्टन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड ट्वेंटी ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट थ्री ईयर्स यहाँ सॉरी ये जो ट्वेंटी फाइव है दिस इज रॉन्ग यहाँ बेसिकली क्या है दैट इज टू परसेंट ओके यहाँ टू परसेंट है तो कंपनीज ऑफ ए सर्टन टर्न ओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टू परसेंट ऑफ देर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट थ्री ईयरस ऑन द सी एस आर सो जो भी कंपनीज एक सर्टन टर्न ओवर है या एक प्रॉफिटेबिलिटी है उनको अपने तीन साल के प्रॉफिट्स की एवरेज का टू परसेंट है जो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करना है इंडिया में सो इन इंडिया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेट्री फॉर कंपनीज हैविंग किन किन कंपनीज के लिए मैडेट्री है इट इज़ मैंडेट्री फॉर कंपनीज हैविंग नंबर वन नेटवर्थ ऑफ रुपीज़ फाइव हंड्रेड करोड़ और मोर वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ जो उससे ज़्यादा है एंड टर्नओवर ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड करोर और मोर जिनकी टर्नओवर है जो वन थाउजेंड करोर से ज़्यादा है या नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड करोर और मोर उनका जो नेट प्रॉफ़िट है वो फाइव थाउजेंड करोर या उससे ज़्यादा है सो इट मींस भारत में जो कंपनीज uh, uh, जो सी एस आर के अंडर आएंगे जिनके लिए सी एस आर मैंडेटरी है उनके लिए हमने तीन प्रकार की जो एलिजिबिलिटी रखी है वन एस नेटवर्थ देखते हैं अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल होगी दूसरा टर्नओवर देखते हैं अगर उसकी टर्नओवर 1000 रुपिस से ज्यादा है या 1000 करोड़ रुपिस है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी अगर उसका नेट प्रॉफिट ₹5000 करोड़ जा से ज्यादा है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहेगी ये क्लॉज सो so दैन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंडिया में सी एस आर के अंडर आती हैं वन इज़ एरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पावर्टी कंपनीज कहाँ अपना जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो फंड है जो प्रॉफिट का शेयर है टू परसेंट ऑफ द प्रीवियस थ्री ईयर्स एवरेज प्रॉफिट है जो एलिजिबल कंपनीज वो कहाँ स्पेंड कर सकती हैं तो एरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पावर्टी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन Promoting gender equality and empowering women, reducing child mortality, improving maternal health, combating HIV, malaria, and other diseases, ensuring environmental sustainability, uh, employment, enhancing vocational skills, social business projects. So, uh, contribution to the Prime Minister National Relief Fund. और एनी अदर फंड फंडटअप बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें भी कंपनीज मनी डाल सकती हैं रिलीफ एंड फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मैनियरिटीज वुमेन एटसेट्रा तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस मनियॉरिटीज जब वुमेन की वेलफेयर के लिए उनकी रिलीफ के लिए भी कंपनीज है जो फंड्स क्रिएट कर सकती हैं वहाँ भी उस मनी को स्पेंड कर सकती हैं सो दीज आर द वेरियस एरियाज वेर ए कंपनी कैन स्पेंड मनी फॉर द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडर द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट को लेकर के मेन्स में क्वेश्चन आ सकता है प्रिलिमिन्री में इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब स्टार्ट हुई ओके कंपनी कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसके अंडर ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो क्लॉज है uh, कौन कौन सी कंपनीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एलिजिबल हैं ओके okay, जिनको अपने फंड रखने पड़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कितना प्रॉफिट uh, का कितना शेयर है जो उनको इसके लिए रखना पड़ेगा ओके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए रखना पड़ेगा और वो कौन कौन से एरियाज़ में जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड को स्पेंड <coughs> कर सकती हैं सो so, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल द बेस्ट विल सी यू अगेन विद ए न्यू कॉन्सेप्ट सो तब तक के लिए इजाज़त थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट